जैन साथियों, दिखती रीमिंग का प्रश्न दिया है हमें, सॉल्व करके बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, उसका तुम्हें सॉल्यूशन देखना है। हम इस टेबल को ध्यान से देखते हैं तो हम देख रहे हैं नीचे की ओर में बड़ा नंबर आ रहा है, नीचे की ओर में बड़ा नंबर आ रहा है, यानी कि इस प्रश्न को हम कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व किया गया है, इस इन तीनों संख्या में कोई लॉजिक लगा है तो क्या करते हैं, अगर हम इस पाँच की पावर बंद करेंगे, ठीक, इस वाले के छः की इसमें जोड़ देंगे प्लस करके 6 की पावर 2, ठीक, फिर प्लस करेंगे इसमें ये 7 की पावर 3, ठीक, 5 की पावर 5 बन हो जाएगा, 6 की पावर 2 36 हो जाएगा और 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, ठीक। इन सबको जोड़ते हैं 1, 2, यानी कि 5, 36 और 343 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 5, 384 मिलेगा, 384 हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, यानी 4 की पावर 1 करना है, 5 की पावर 2 करना है और 6 की पावर 3 करना है, ठीक। यहाँ पर दिया हमने 1, 2 और 3, यानी 4 की पावर हम 1 करेंगे प्लस 5 की पावर 2 करेंगे प्लस करेंगे 6 की पावर 3, ठीक। 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 ही मिलेगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 मिलेगा और 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना मिलेगा, 216 मिलेगा। 216, 25 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, टोटल 245 मिलेगा, ठीक। 245 हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। सब लोग यहाँ पर आएंगे, 3 की पावर 1 करेंगे, 4 की पावर 2 करेंगे, 5 की पावर 3 करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। 3 की पावर सबसे पहले हमें 1 करनी है, प्लस 4 की पावर 2 करनी है, प्लस 5 की पावर 3 करनी है। 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 मिलेगा, 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 मिलेगा। 125, 16 और 3 को जोड़ेंगे टोटल तो हमें कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 144 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।